हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लंबे इंतजार के बाद फाइनली ब्लैक एडम रिलीज होने जा रही है और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वार्नर ब्रोस के सुपरहिट कैरेक्टर ब्लैक एडम की, कि आखिर कौन है ये ब्लैक एडम और इस कैरेक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये कैरेक्टर इतना पावरफुल कैसे है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक एडम के बारे में सब कुछ बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ब्लैक एडम की पूरी स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ब्लैक एडम की शुरुआत 1945 में कॉमिक से हुई थी और उस वक्त ब्लैक एडम और सजाम को फासेट पब्लिकेशन नाम की एक कंपनी ऑन करती थी। लेकिन ब्लैक एडम की स्टोरी समझने से पहले आपको सजाम की स्टोरी को समझना होगा। वैसे साल 2019 में DC यूनिवर्स ने सजाम की मूवी को रिलीज किया था, जो कि बहुत ही सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। और इस मूवी में हमें बिली बैटसन नाम का एक अनाथ लड़का दिखाया गया है, जो कि बहुत ही शरारती बच्चा होता है और वो एक अनाथालय में रह रहा होता है। उसकी शरारतों की वजह से उसे बार बार घरों से निकाल दिया जाता है, लेकिन बाद में उसे एक घर मिलता है जहाँ पहले से 5 बच्चे रह रहे होते हैं और वो सारे बच्चे यही कोशिश करते हैं कि बिली को उसके घर जैसा महसूस हो, लेकिन बिली को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। पर बिली दिल का बहुत ही अच्छा होता है। अगले दिन स्कूल में जब उसके साथ रह रहे बच्चों को और स्कूल के बच्चे मार रहे होते हैं तो बिली उन्हें बचाता है और उन लड़कों को मार के वहाँ से भागने लगता है और वो बच्चे बिली का पीछा करते हैं। फिर बिली भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाता है और वो ट्रेन अचानक से गायब होकर एक गुफा में पहुँच जाती है। डरा हुआ बिली उस गुफा के अंदर जाने लगता है और उस गुफा में बहुत सी मूर्तियाँ और कुछ पुरानी चीज़ें दिखाई देती हैं। और बिली धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे आगे जाके एक थ्रोन पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो बूढ़ा आदमी बिली को कहता है कि मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जिसका दिल साफ हो और मैं उसे अपनी जादुई शक्तियाँ देना चाहता हूँ। फिर बिली उसे पूछता है कि वो साफ दिल वाले इंसान को ही क्यों ढूंढ रहा है। तब वो जादूगर उसे बताता है कि मैंने बहुत ही पहले एक योद्धा को अपनी शक्तियाँ दी थीं और वो योद्धा अपनी शक्तियों में डूबकर बुराई का साथ देने लगा और हर जगह बस तबाही मचाने लगा। लेकिन अब जादूगर उससे अपनी शक्तियाँ वापस नहीं ले सकता था, इसलिए उसने उस योद्धा को स्पेस में बहुत दूर फेंक दिया। और फिर वो जादूगर बिली को देखता है और उसे बोलता है कि तुम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो और अब बस मेरा नाम लो और मेरी शक्तियाँ तुम्हारी हो जाएंगी। फिर बिली उस छड़ को पकड़ के सजाम बोलता है, वैसे ही उसके पास जादू शक्तियाँ आ जाती हैं और उसका रूप भी चेंज हो जाता है। और भले ही वो 12 साल का लड़का हो, लेकिन सजाम बोलने के बाद उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। फिर बिली और उसका भाई उन शक्तियों की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि स्पेस से बहुत ही खतरनाक विलेन उनके पास चला आ रहा है। और वो विलेन कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा होता है जिसे उस जादूगर ने बर्खास्त करके स्पेस में फेंक दिया था, और उस योद्धा का नाम कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक एडम होता है। और अब बात करें ब्लैक एडम की, तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले एक खंदक नाम के शहर में। खंदक शहर जो कि सालों पहले जादूगर का जन्म स्थान था, लेकिन शहर में बढ़ते हिंसा की वजह से वो लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं और आगे जाके आईपैक और उसके लोग शहर पर कब्जा कर लेते हैं और सभी लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं। और उनमें से एक बच्चा रहता है अमन, जिसे आईपैक के लोग उसके माँ बाप से अलग कर देते हैं और उसे माइंस में काम करवाते हैं। फिर कई दिनों बाद एक आदमी आता है जो अमन से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम ठीक तो हो ना। और वो आदमी कोई और नहीं अमन का मामा होता है। फिर वहाँ आईपैक के लोग आ जाते हैं और अमन और उसके मामा को मारने लगते हैं और उसका मामा अमन को वहाँ से भागने को बोलता है। फिर अचानक वहाँ बिजली कड़कती है और अमन किसी और ही जगह आ जाता है जहाँ कुछ जादूगर बैठे हुए होते हैं और वो उसे बताते हैं कि वो जादूगरों के महल द रॉक ऑफ अर्टेनिटी में हैं और उसे अगले जादूगर के रूप में चुना गया है। लेकिन अमन कहता है कि उसके मामा वहाँ फंसे हुए हैं और वो उसको भी यहाँ लाना चाहता है। फिर जादूगर उसे अपनी शक्तियाँ दे देता है और अमन और उसके मामा दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन मामा आईपैक से अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन अमन बदला लेने से मना कर देता है। तो इससे गुस्से में आके वो अमन को मार के उसकी शक्तियाँ ले लेता है और पूरे शहर में तबाही मचा देता है। और फिर यहीं से शुरुआत होती है ब्लैक एडम की। और अब ब्लैक एडम की हिस्ट्री को जानने के बाद बात करते हैं इसकी पावर्स की। ब्लैक एडम एक बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है और इसे DC कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक माना जाता है। और जहां सजाम को अपनी पावर्स ग्रीक गॉड से मिलती हैं, वहीं ब्लैक एडम को अपनी पावर्स इजिप्शियन गॉड से मिलती हैं, जैसे कि शू का स्टेमिना,
एरो की स्पीड, अमोन की स्ट्रेंथ, जहूती का विस्टम, अटोन की पावर्स, मेहन का कर्ज, और इन सभी गॉड के फर्स्ट लेटर से बनता है सजाम, और सजाम बोलने पर ही इसके पास इन सभी छः गॉड्स की पावर आ जाती है। और अब ब्लैक एडम की पावर्स के बारे में डिटेल्स में बात करें तो नंबर वन शू, यानी शू का स्टेमिना, और इसी वजह से ब्लैक एडम किसी से भी बहुत देर तक बिना रुके फाइट कर सकता है और बिना थके और बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकता है और ये हर तरह की कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। और नंबर टू हेरू, और इस गॉड की वजह से इसे स्पीड मिलती है और ये बहुत तेज़ी से फाइट भी कर सकता है और इसी पावर से उसे उड़ने की ताकत भी मिलती है। फिर थ्री नंबर पे आते हैं एमोन, एमोन की स्ट्रेंथ, और इस पावर्स की वजह से उसे बहुत सारी ताकत मिलती है जिससे वो सुपरमैन और सजाम को एक साथ टक्कर दे सकता है। नंबर फोर जयूती का विजडम, और जयूती गॉड से उसे बुद्धि की पावर्स मिलती है जिससे वो मेमोरी, कॉम्बैट स्किल्स और साइंस में मायर हो जाता है जिससे वो हर तरह की लैंग्वेज बोल और समझ सकता है। जयूती की पावर्स ब्लैक एडम को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाती है। नंबर फाइव एटोन की पावर्स, जिससे उसे लाइट्स की पावर्स मिलती है जिससे वो लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है और इससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इन्हीं पावर्स की मदद से वो किसी को भी राख में बदल सकता है। फिर नंबर सिक्स मैन का कर्स, यानी साहस, और इसी से वो किसी से भी नहीं डरता और उसके सामने कोई भी आए वो बिना डरे उसे फाइट कर सकता है और इसी के साथ मैन उसे अपने जख्मों को हील करने की पावर्स भी देता है। और अपने इसी साहस और पावर्स की मदद से उसने बड़े बड़े कांड किए हैं, जैसे कि उसने अकेले ही पूरी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को धूल चटा दी थी, फिर उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और उसे रोकने के लिए पूरी जस्टिस टीम, टीम टाइटंस, सोसाइटी ऑफ अमेरिका और ब्लैक एडम ने उन तीनों टीम्स को अकेले ही हरा दिया था। तो इतनी सारी पावर्स और एबिलिटीज होल्ड करता है अपना ब्लैक एडम। ये स्टोरी थी ब्लैक एडम की कॉमिक्स की। और अब बात करें ब्लैक एडम मूवी की, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज किया जाए इसके स्टोरी में, लेकिन ब्लैक एडम की स्टोरी जान के हमें ये पता चलता है कि ये सच में बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है डीसी का, और शायद इसीलिए डायन जॉनसन ने इस कैरेक्टर का रोल करने के लिए चुना है और इसीलिए ब्लैक एडम मूवी देखना और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक एडम की स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।